आपको सवाल है हमारे चैनल शबा उर्दू हिंदी में। आज हम उर्दू कवायद के अंदर पढ़ेंगे मिसरा। मिसरा किसे कहते हैं? दो शेर के दो हिस्से होते हैं, हर हिस्सा मिसरा कहलाता है। ठीक है, पहले मिसरे को मिसरा औला और दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये शेर है पूरा, इसका पहली लाइन को पहला मिसरा यानी मिसरा औला और दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा यानी मिसरा सानी पढ़ते हैं। जुस्त जू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। ये मिसरा औला है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मिसरा सानी है, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशीता हमारा। और आगे भी देखते हैं, इसमें इसमें लिखा हुआ आगे कि शेर की तरह यानी बाज़ मिसरे भी इतने मशहूर हो जाते हैं कि एक मिसरा ही मुकम्मल मफहूम और तासुर पैदा कर देता है और दूसरे मिसरे को उस मिसरे के साथ पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती। मिसाल के तौर पर चंद मिसरे, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ठीक है, एक ही जुमला है। एक शमा रह गई है सो वो भी खामोश है, ये भी एक जुमला है। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करें, ये भी एक मिनट। हजरत दाग जहाँ बैठ गए बैठ गए, साफ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। जब हम किसी मिसरे या शेर को कहीं नकल करते हैं तो शेर की इस अलामत यानी ये जो अलामत के साथ इस मिसरे को आइन की अलामत से जाहिर करते हैं, यानी ये एक शेर का मिसरा है। उम्मीद है कि ये वीडियो जिसके अंदर मैंने मिसरे के बारे में समझाया पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।